हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ। पाइथन में एक मेथड होता है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, इंडेक्स। इंडेक्स तो इंडेक्स मेथड किस तरीके से काम करेगा, चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पर जो पाइथन का होम पेज है यहीं पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है। तो ये लिखता हूँ लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ, 5, 7। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर सिंपली list लिस्ट लिखना है और डॉट इंडेक्स। इंडेक्स एक मेथड है, मैं पहले भी बता चुका हूं इंडेक्स क्या है, एक मेथड है। तो इंडेक्स का यूज करना है और हम चाहते हैं ना कि पाइप की क्या इंडेक्सिंग है ये हमें पता चले। तो पाइप की इंडेक्सिंग हमें पता करनी है, ध्यान दीजिएगा किसकी इंडेक्सिंग, पाइप की। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाइप, ठीक है, और ये लिखना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इंडेक्स 5 लिख दिया है हमने और अब हमको सिंपली यहां से एंटर पर प्रेस करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखिए 5 की इंडेक्सिंग क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए एक बार, आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसी को यहाँ पर एक डिफरेंट लिस्ट ले ली है, अब इसकी इंडेक्सिंग पता करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले list लिस्ट लिखते हैं क्योंकि लिस्ट के ही नाम से हमारी लिस्ट बनी हुई है और डॉट इंडेक्स मेथड का यूज। फिर से यहाँ पे इंडेक्स में क्या देखना चाहते हैं, हम 89 का इंडेक्सिंग देखना चाहते हैं। तो यहाँ 89 लिख दिया, बस आपको एंटर प्रेस करना है, इसकी इंडेक्सिंग 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।